देख रहे हैं एमएनएस न्यूज पर, देखते बॉलीवुड की कुछ खास खबरें। फिल्म क्रैसी के लिए रोज 12 ओवर बॉलिंग, 200 बॉल्स बैटिंग कर कपिल जैसे बने रणवीर सिंह। फिल्म क्रैसी के पूर्व भारतीय क्रिकेट कैप्टन कपिल देव के रोल में ढलने के लिए रणवीर सिंह को जमकर पसीना बहाना पड़ा। इस रोल के लिए उन्हें फिटनेस कंसल्टेंट राजीव मेहरा ने ट्रेनिंग दी है। राजीव मेहरा ने बताया कि कपिल देव के किरदार में ट्रांसफॉर्म होने के लिए रणवीर ने कड़ी मेहनत की है। कपिल के किरदार को इतने जबरदस्त तरीके से अडॉप्ट किया कि वे बिल्कुल कपिल की तरह लग रहे हैं। ईद पर राधे बनकर लौटेंगे सलमान खान। सलमान खान के साथ किक और रेस 3 में काम कर चुके सिनेमेटोग्राफर अयान का बोस ने अपनी इंस्टाग्राम पर एक शेड्यूल पेपर की फोटो शेयर की है और अनुमान लगाने को कहा कि ये कौन सी फिल्म हो सकती है। हिंट के लिए उन्होंने कैप्शन में ईद लिखा है। वहीं पेपर पर राधे शब्द दिखाई दे रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह सलमान खान अपकमिंग फिल्म राधे इंडियाज मोस्ट वॉन्टेड कॉप है, जिसे ईद 2020 पर रिलीज किया जा सकता है। बिग बॉस 13 वीकेंड का वॉर में दलजीत कौर घर से बेघर, अब इन दो सीनाओं पर लटकेंगी तलवार। कल रात सलमान खान के साथ बिग बॉस 13 के वीकेंड वॉर में सुनील ग्रोवर और भारती सिंह के पति हर्ष लिम्बाजिया स्टेज पर सलमान खान को हंसाने आए। उनकी कॉमेडी देख दर्शकों के साथ साथ सलमान खान भी लोटपोट हो गए। दोनों ने जमकर मस्ती की। दलजीत कहती है, मुझे नहीं पता चूक कहाँ हुई, मैं लंबी पारी खेलना चाहती थी, ऐसे में इतने जल्दी एलिमिनेट होने का उन्हें बहुत दुख है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उस पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहें एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।